5 करोड़ की कार पर 5,000 का जुर्माना बिना नंबर। लैम्बोर्गिनी दौड़ा रहा था, नेशनल शूटर बोला इसके आगे नंबर प्लेट नहीं होती। जयपुर में 5 करोड़ की लैम्बोर्गिनी कार का चालान काटा गया है। कार एक कारोबारी का बेटा चला रहा था। मामला 4 फरवरी की दोपहर का है। युवक जयपुर परकोटे में बड़ी चौपड़ पर बिना नंबर प्लेट की लग्जरी कार तेज रफ्तार से चला रहा था। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल ने कार को रोकने का इशारा किया। कार रुकने के बाद उसके बाद लग्जरी कार चला रहे युवक ने पुलिसकर्मी से कार रोकने की वजह पूछी। पुलिसकर्मी ने नंबर प्लेट के बारे में पूछा तो युवक ने कहा कि विदेशी गाड़ी में आगे की तरफ नंबर प्लेट नहीं लगती। इस पर हेड कांस्टेबल सुल्तान सिंह ने ट्रैफिक इंस्पेक्टर नॉर्थ नरेश कुमार मीणा से फोन पर बात की, स्थिति से अवगत कराया। ट्रैफिक इंस्पेक्टर नॉर्थ नरेश कुमार मीणा ने नंबर प्लेट नहीं होने पर नियमानुसार चालान करने के लिए कहा। इसके बाद हेड कांस्टेबल ने 5,000 का चालान काटा। युवक ने मौके पर ही डिजिटल पेमेंट के जरिए भुगतान कर दिया। उसके बाद युवक कार लेकर चला गया। बीच सड़क पर 5 करोड़ की लग्जरी कार खड़ी देख लोगों ने सेल्फी की और फोटो खिंचवाने की होड़ मच गई। कई लोगों ने अपनी जान पहचान वालों को भी फोन कर मौके पर बुलाया। चालान की प्रक्रिया के दौरान 15 मिनट तक कार सड़क पर खड़ी रही। इस दौरान फोटो लेने वालों की भीड़ के कारण सड़क पर जाम लग गया। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद लग्जरी कार को रवाना कर जाम खुलवाया। वहीं लैम्बोर्गिनी कार चला रहे युवक के पीछे एक लग्जरी कार आ रही थी। वह कार एक ड्राइवर चला रहा था। बताया जा रहा है कि वह भी करोड़ों की पॉश कार थी। हेड कांस्टेबल सुल्तान ने बताया कि कार नरेश शूटर और जयपुर के कपूर परिवार के बेटे विवान कपूर की है। ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल सुल्तान ने कार रोककर 5,000 का चालान किया। सुल्तान सिंह ने बताया कि कार चला रहा युवक कर रहा था, मुझे शादी में जाने के लिए लेट हो रहा है। जुर्माना वसूल करने के बाद उसे भविष्य में नंबर प्लेट लगाकर ही कार चलाने की नसीहत देकर रवाना किया गया।